अगर आपके शरीर में से ज़्यादा सीरम क्रिएटिनिन बाहर जा रहा है, आपके ब्लड लेवल में सीरम क्रिएटिनिन अगर बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि आपकी किडनियाँ डैमेज हो रही है। मैं डॉक्टर अनघा कुलकर्णी, सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए क्या आसान घरेलू उपाय है, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। आपके घरों में तो धनिया तो रहता ही है, तो वो जो धनिया रहता है, तो वो धनिया और धनिया मतलब ग्रीन वाला धनिया और धनिया का जो दाने रहते हैं, सीड्स होते हैं, ये दोनों भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका खाने में धनिया यूज़ कीजिए, और धने का जो धने जो रहते हैं, कोरिएंडर जो सीड्स रहते हैं, उसका पाउडर आप उसका टी बना के, उसका काढ़ा बना के वो आप ले लीजिए, तो ये आपके किडनियाँ बचाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि धनिया जो रहता है, वो जीरे के साथ अगर आप लेते हो, तो शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकाल देता है। और ये जो सीरम क्रिएटिनिन है, ये आपके मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो ये सीरम क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा शरीर में बढ़ जाता है, ब्लड में बढ़ जाता है, तो ये बाहर नहीं फेंका जा सकता। तो इसीलिए एक तो आपके शरीर में मसल्स ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है, इसीलिए आपके ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन ज़्यादा आ रहा है, नहीं तो आपकी किडनियाँ फेल हो रही है। तो जो कॉज है, तो आप देख लीजिए। अगर आप जिम में बहुत ज़्यादा काम करते हो, नहीं तो आप सामान उठाने का बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो तब भी ये सीरम क्रिएटिनिन शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड में आ जाता है। तो ये दोनों, अगर और एक बात मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप तुलसी के पत्ते दिन में 5-6 तुलसी के पत्ते चबाते हो, तो ये आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल अच्छी तरह से कम करता है। हल्दी जो आपके घरों में रहती है, वो हल्दी भी आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दूध हल्दी आप ले सकते हो, वैसे भी पानी में हल्दी मिला के ले सकते हो, क्योंकि आपको तो अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम करना है, तो बहुत ज़्यादा आपको पानी भी पीना है, तो पानी भी पीना, ये सब भी खाना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि धनिया, जीरा, हल्दी, इसका एक काढ़ा बना के एक बोतल में रख देने का, और वही पानी दिन में पीते रहने का, ये भी बहुत अच्छा रहता है सीरम क्रिएटिनिन कम करने के लिए। और एक मैं चीज़ बताऊंगी कि आपके घर में जिंजर रहता है, तो मैं जो अक्सर बोलती रहती हूँ कि आप चाय में जिंजर डाल के लीजिए, तो ये जिंजर जो है एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, और ये सीरम क्रिएटिनिन लेवल ब्लड में से कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो आप जिंजर, आप रेसिपी में, आप खाने में भी जिंजर यूज़ कर सकते हो, और चाय में भी आप जिंजर यूज़ कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा लेमन, सिट्रस फ्रूट्स खाना, ये किडनी डिसीज़ में बहुत अच्छा रहता है। तो इतनी ही चीज़ें आप अगर खाते रहते हो, और अगर आपके शरीर में सीरम क्रिएटिनिन शरीर में से ज़्यादा जाता है, ब्लड में आता है, तो इतनी ही चीज़ें डेली आपके खाने में आनी चाहिए, तो एक महीने में आपका सीरम क्रिएटिनिन लेवल कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।